वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान मनुष्य के लिए कल्प रूप बन गया है। उसकी हर इच्छा पूरी हो रही है। पृथ्वी पर तो उसका एक छत अधिकार है ही। विज्ञान से उसे अनेक चमत्कारी चीजें प्राप्त हुई है। इनमें कंप्यूटर का स्थान सर्वोपरि है। हमारे चारों ओर कंप्यूटर का बोलबाला है। घंटों का काम मिनटों में करने वाला कंप्यूटर ऐसा छा गया है कि इस युग को यदि कंप्यूटर युग कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कंप्यूटर की तुलना मानव मस्तिष्क से की गई है। यह एक ऐसा यंत्र है जो ऐसी गणनाएं तत्काल कर सकता है जिन्हें करने में सैकड़ों वर्ष तक लग सकते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग देना यह अत्यंत शीघ्रता एवं 100% शुद्धता से करने में समर्थ है। कंप्यूटर आर्थिक, वैज्ञानिक युग, शिक्षा, कला, सूचना प्रसारण, ज्योतिष, मौसम, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, रेलवे, उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंटरनेट द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम भी इनके द्वारा तैयार किया जाता है। कंप्यूटर से भवनों, वाहनों तथा अन्य उपकरणों के डिजाइन भी तैयार किए जाते हैं। आज कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सूचना एवं समाचार प्रसार के लिए देश के प्रमुख नगरों का एक दूसरा से जोड़ा जा रहा है। इसके द्वारा हवाई जहाज, रेल, आरक्षण देश के किसी कोने से कहीं के लिए कराया या रद्द किया जा सकता है। युद्ध के क्षेत्र में वायु यानों, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, समुद्री जहाजों, भारी तोपों के संचालन में इनका प्रयोग बहुत्यात से किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। किंतु मशीनी युग में काम करते करते मनुष्य का जीवन भी मशीन बन रहा है। हमारी युवा पीढ़ी पूर्ण रूप से इस पर निर्भर है हो ही गई है। यह सकारात्मक रचनात्मक प्रयोग के लिए तो ठीक है, किंतु इसका दुरुपयोग और अनावश्यक रूप से समय की बर्बाद नहीं होनी चाहिए। दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड।